भर में जो 75 जिले हैं उन सभी जगह समाजवादियों ने कहा था कि वो प्रदर्शन करेंगे। और आज गोरखपुर की उसी की तस्वीर आपके सामने, जहां पर पुलिस यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाहर खदेड़ने में जुटी हुई है, इनको उठाकर बाहर फेंका जा रहा है। इसी के साथ कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश भी यहाँ पर। और अब आपको बलिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बलिया में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर यहाँ पर किसानों के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। यहाँ पर भी पुलिस जो है पूरे तरीके से चौकसी बरते हुए, और यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया जा रहा है। हाथों में बैनर, तख्ती और हाथों में झंडा समाजवादी पार्टी का लेकर सड़कों पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पुलिस उनको वहां से डिटेन करने में लगातार जुटी हुई है। जगह जगह पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है आज इसे आंदोलन को लेकर। और अब झांसी की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर झांसी में भी आज किसान जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं। किसान में महिला किसान भी शामिल हैं और पुरुष किसान भी इसमें शामिल हैं, जो कि आज सड़कों पर उतरकर झांसी में प्रदर्शन कर रहे हैं। और तो वहीं की तस्वीरें आपके सामने। एमएसपी बिल को लेकर किसान धरने पर बैठे हुए हैं झांसी में। कई किसान यहाँ कलेक्टर ने पहुंचे हैं डीएम को ज्ञापन देने के लिए। आज 18वां दिन है जहाँ 18वें दिन किसान आज तक धरने पर बैठे हुए। हमारे साथ किसान नेता है जो किसान विरोधी तीन बिल भारत सरकार कृषि बिल के रूप में लाई है, वो किसानों के हितों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि उनकी भर्त्सना करने वाली बिल है। एक ओर भारत सरकार ये कहती है कि किसान देश के किसी भी प्रांत में किसी भी मंडी में बेचे, दूसरी ओर मध्य प्रदेश शासन में शिवराज सिंह सरकार ये कहती है कि मैं प्रदेश का ही माल खरीदूंगा। इसमें अन्नदाता जाएगा कहाँ? भारत सरकार का तो ये मतलब है कि पूरे देश में बेचें, और ये अपना बताते कि हम मध्य प्रदेश में, अगर मध्य प्रदेश का ही खरीदेंगे, कोई किसान दूसरे प्रांत से लेकर आता है तो उसे जेल भेजेंगे। हमारा चलेगा, अनवरत चलेगा, सड़कों पर आएंगे 26 जनवरी तक, यूं ही धरना चलेगा और फिर इसके बाद अगली रणनीति बनेगी, बताएंगे। देखिए, हमारे साथ किसान नेता थे, इनका कहना अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 26 तारीख के बाद हम सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ ऐसे भारत समाचार झांसी। तो बागपत की भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बागपत में सड़क पर हैं और सभा का हल्ला बोल यहां पर भी जारी है। बागपत की तस्वीरें, नारेबाजी के बीच किसानों का समर्थन करते समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता। और अब ललितपुर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, वहां पर भी सड़कों पर देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर आ चुके हैं, हाथों में झंडा है और सड़क पर ही यहाँ पर अनशन धरना देते प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं ललितपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता। कानून के विरोध को लेकर जहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी कड़ी में हम ललितपुर में घंटाघर ग्राउंड पर बैठे हैं। यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं तिलक यादव जी, आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह का उनका धरना प्रदर्शन है आज और क्या उनकी मांगे हैं। देखिए, केंद्र ने जो कानून बनाए हैं ये किसानों के खिलाफ हैं, किसानों के हितों के खिलाफ हैं, और ये पूंजीपतियों को के पक्ष में ये बिल बनाए गए हैं, और जिनके खिलाफ किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है, किसानों का साथ दे रही है, और जब तक ये काले कानून बाकी। हेलो, और लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिमाब, आप क्या कहना चाहते हैं, वहां की तस्वीरें दिखाई और वहां के बारे में हालात क्या है उसके बारे में जानकारी दीजिए। हेलो, जो काला कानून है जो किसानों के खिलाफ में, उसको वापस ले सरकार सभी प्रदर्शन है वो समाप्त होंगे। ललितपुर से भारत समाचार के लिए। कार्यकर्ता मौजूद है, महिला भी वहां पर इस वक्त मौजूद है इसी प्रदर्शन में, और अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर के आगे आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, वहां पर भी आज समाजवादियों की एक तरीके से जो रैली है वो आगे निकल रही है। पुलिस देखिए यहां पर किस तरीके से मुस्तैद है,
यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर वहाँ से डिटेन किया जा रहा है, वहाँ से हटाया जा रहा है। रास्ते में कई सपा कार्यकर्ता किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए हैं और अब ये बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर जो है वो इस बात को चाहते हैं कि यहाँ से वो जाएं और जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपें। इस तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा कि जो पुलिस के जवान हैं वो सारे के सारे जो है वो बैरिकेडिंग के उस पार लगे हुए हैं। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आ चुके हैं और इन लोगों का जो है वो यही कहना है कि ये जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये वहाँ पर तक जाना चाहते हैं, जिला अधिकारी कार्यालय तक, और वहाँ पर जाकर ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। तो ये तस्वीरें आपको साफ नजर आ रही होंगी और ये कुछ लोग जो है वो गन्ना भी लेकर आ गए हैं, किसानों की मांगों को जो है वो रख रहे हैं और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन ये सौंपा जाना था। तो ये तस्वीरें साफ दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। लोग तमाम आ चुके हैं, यहाँ जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में ये प्रदर्शन चल रहा है, छात्र सभा के लोग। और अब चंदौली की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। सड़कों पर यहां पर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उसके बाद पुलिस किस तरीके से उन्हें वहां से हटा रही है। पुलिस वैन में उनको बैठाया जा रहा है और इस समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जिसको हटाने की कोशिश यहाँ पर पुलिस फिलहाल कर रही है। तो कई जिलों में सपा का हल्ला बोल लगातार जारी है। आज किसानों का अनशन तो वहीं समाजवादी पार्टियों का भी आज आंदोलन और प्रदर्शन देखा जा रहा है सभी 75 जिलों में, और वहां से अलग अलग तस्वीरें जो आ रही वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब हरदोई की तस्वीरों पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर किस तरीके से लाठी चार्ज किया गया है समाजवादियों पर। पुलिस ने यहां पर दौड़ाकर लाठी चार्ज किया और उसके बाद सपा के जो नेता जो कार्यकर्ता हैं उनको यहां से हटाया जा रहा है। पुलिस यहां पर इन्हें डिटेन कर रही है, वहां से हटा रही है। हरदोई में सपा का हल्ला बोल जारी, लेकिन पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस भी यहाँ पर इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। वीरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश, समाजवादियों को क्या हिरासत में भी लिया जा चुका है यहाँ पर अभी तक? जी देखिए, समाजवादी पार्टी और किसान बिल को लेकर समाजवादियों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है। वही सांसद और पूर्व विधायक के ऊपर भी लाठी चार्ज किया गया है। यहाँ हल्ला बोल प्रदर्शन और यहाँ एडिशनल एसपी और तमाम आला अधिकारियों ने लाठियां चार्ज की है। समाजवादियों को पटक पटक के मारा है, लेकिन इनका प्रदर्शन जारी है। कुछ लोगों को अभी हिरासत में ले लिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। और इसी के साथ फिलहाल देखिए, हरदोई में सपा का हल्ला बोल, यहाँ पर समाजवादियों को पुलिस ने मारा भी है और वहीं की तस्वीरें हम अवरेश ये बताइए किस तरीके से यहाँ पर समाजवादियों को दौड़ाया गया, क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं किस तरीके से उनकी आज पिटाई की गई। जी देखिए, समाजवादियों ने जिस हिसाब से विरोध प्रदर्शन किया है उस हिसाब से पुलिस के आला अधिकारियों ने दौड़ा दौड़ा के मारा है, लाठियां चार्ज करी है और हर मुख्यालय पे हर जगह से जो समाजवादी पार्टी के लोग आए थे उनको बहुत बुरी तरीके से मारा है और पूर्व सांसद और पूर्व विधायक के ऊपर भी लाठियां चार्ज की गई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। और अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम अलग अलग जगह की। उन्नाव की तस्वीर आपके सामने है। उन्नाव में भी समाजवादी सड़कों पर हैं। आओ हम शुरुआत करें किसानों का आभार करें, ये बैनर पोस्टर लेकर समाजवादी सड़क पर बैठे, लेकिन उसके बाद पुलिस जो है इन्हें हटाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। तो देश भर में इस वक्त जो है वो किसानों का आंदोलन तेज होता दिख रहा है। आज समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता जो नेता है वो भी इसमें शामिल होते दिख रहे हैं। जो है वो धक्का मुक्की हो रही है पुलिस के साथ और जाहिर है कि यहाँ पे अब इन लोगों को बंद कर दिया गया है यहाँ पर। और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे आगे आकर। आंदोलित है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अब इन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे धक्का मुक्की जो है वो शुरू हो गई है पुलिस और कार्यकर्ता।